हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुए ड्रीम गर्ल के ट्रेलर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कोमल नाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे नाराज हूं। तो तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए टू कोमल नाटा ऑफिशियल। दोस्तों, आपने ड्रीम गर्ल का ट्रेलर तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपको नहीं पता आपने क्या मिस किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स बालाजी टेलीफिल्म्स है एंड इसके डायरेक्टर राज शांडलिया है। राज शांडलिया जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई जबरिया जोड़ी का स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखे थे। और इस फिल्म में है आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा। आयुष्मान खुराना का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों एक खुशी की लहर दौड़ती है लोगों के दिलो दिमाग में। शायद वो इसलिए क्योंकि उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स बड़ी ही इंटेलिजेंट रही है। विकी डोनर, शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, बधाई हो, अंधाधुन जिसके लिए उन्हें हाल ही में एक नेशनल अवार्ड भी मिला है एज बेस्ट एक्टर। ही हैज शेयर्ड द अवार्ड विद विकी कौशल फॉर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो इस फिल्म में भी आयुष्मान खुराना ने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है क्योंकि इस फिल्म में वो लड़की की आवाज में बोलते हैं। और यस, ये एक लाइन सुनकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, जैसे कि हमारे चेहरे पर भी आई थी। लेकिन अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो मुस्कान आती रहेगी, हंसी आती रहेगी। द फिल्म सीम्स टू बी डिजाइंड एज अ कॉमेडी। पूरी पिक्चर ऐसे लगता है कॉमेडी के हिसाब से बनाई है। एंड कहना पड़ेगा कॉमिक सीन्स जो ट्रेलर में देखने को मिलते हैं मजेदार है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही एंजॉयबल है। ये जब स्टेज प्लेज में हिस्सा लेते हैं वहां पर भी लड़की के रोल्स करते हैं। जैसे रामायण अगर स्टेज प्ले हो रहा है तो उसमें वो सीता की भूमिका निभाते हैं, ना कि राम की या लक्ष्मण की। तो ये इस प्रकार का किरदार निभा रहे हैं, इस प्रकार की फिल्म है। और इसके आगे मैं कुछ और भी बता दूं तो आपका फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। द फिल्म विल रिलीज ऑन 13th सितंबर। और ट्रेलर देखकर ट्रेड में एक खुशी का माहौल है, बिकॉज ट्रेड को फिर लग रहा है कि आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर एक अलग किस्म की फिल्म को चुना है और एक अलग किस्म की फिल्म में एक्ट किया है। यू नो, आयुष्मान खुराना इज अमंग द फ्यू इंटेलिजेंट एक्टर्स जो अपनी फिल्मों को बहुत सोच समझ कर चूज करते हैं, एंड अब तक तो उनके लगभग सारे डिसीशंस सही बैठ रहे हैं। इनफैक्ट 2018 में उनकी जो फिल्में आई थी 2018 एंड 2017 में बहुत अच्छा बिजनेस कर गई वो फिल्में। एंड इट सीम्स दैट ही वुड स्टार्ट दिस ईयर 2019 आल्सो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, बिकॉज ड्रीम गर्ल का ट्रेलर सभी को पसंद आया है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रेड में खुशी है, ट्रेड में एग्जिबिटर्स ने यानी सिनेमा वालों ने मार्क कर लिया है कि सितंबर 13 को जहां तक हो सके हमें ड्रीम गर्ल को रिलीज करना है। So Dream Girl would get a good release going by the trailer. And yes, there's plenty in store for the audience. Aapko hasane ke liye 13 September ko release hogi Dream Girl with Ayushman Khurana and Nusrat Bharucha. Dosto, aapko hamara ye video, trailer talk ka video, kaisa laga? Comment section mein jaakar apne comments zarur post kijiyega. And saath mein ye bhi bataiyega ki Dream Girl ka trailer aap logo ko kaisa laga hai. कोई सजेशंस हो तो उन सजेशंस को देने में ना कतराइए, ताकि हमें पता चले कि हम किस दिशा में हैं और सही दिशा में हैं या नहीं है। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।